बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। बारखान में रखनी बाजार में धमाका हुआ है जिसमें 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और 12 अफराद की जख्मी होने की इत्तला भी सामने आ रही हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है सिक्योरिटी ज़रा की जानिब से। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन, जबकि तहकीकत का भी आगाज कर दिया गया है। बलोचिस्तान में आम को एक बार फिर से मुतासर करने की कोशिश की गई है। बारखान में रखनी बाजार में धमाका हुआ है जिसमें 4 अफराद जाबहक हुए हैं, जबकि 12 अफराद की जख्मी होने की इत्तला भी सामने आ रही हैं। और बारखान वाकई में बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है सिक्योरिटी ज़रा की जानिब से। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन, जबकि तहकीकत भी जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इस वाकये की मजम्मत की गई है और अफसोस का इजहार किया गया है। उन्होंने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी कर दी है। बारखान से आपको आगाह कर रहे हैं, रखनी बाजार है जहां पर धमाका हुआ है, 4 अफराद जामहक और 12 अफराद के जख्मी होने की इत्तला सामने आ रही हैं। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है सिक्योरिटी ज़रा की जानिब से, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन, तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। बलोचिस्तान के आम को एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की गई है। बारखान में रखनी बाजार में धमाका हुआ है, 4 अफराद जामहक और 12 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं।